हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोगों को पता है कि आने वाले समय में पृथ्वी पर से पुरुष पूरी तरीके से खत्म होने वाले हैं। ये है तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात, लेकिन मन में ये विचार आने चाहिए आप लोगों के, क्या पृथ्वी पर से वास्तव में पुरुष गायब हो जाएंगे तो महिलाएं जो है सिर्फ पृथ्वी पर महिलाएं ही बचेंगी, या फिर मन में ये आएगा कि अगर पुरुष खत्म हो जाएंगे तो क्या कारण है, या फिर आपके मन में ये चल रहा होगा कि अगर पुरुष बाई चांस खत्म हो जाएंगे क्योंकि आने वाले समय क्रोमोसोम हमारा गायब होने वाला है तो क्या कोई नया जीन आने वाला है, या फिर हमारी जो प्रजाति है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। तो हम बता दें आप लोगों को, एक हमारा एक रिसर्च पेपर छपा है प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जनरल में, इस विषय पर पूरा का पूरा रिसर्च पेपर है वो पब्लिक किया गया है, जिस रिसर्च में ये बताया गया है कि आने वाले समय में हमारे इस पृथ्वी पर से पुरुष गायब हो जाएंगे। इसकी क्या है सच्चाई, उसे हम पूरा डिटेल में जानते हैं। उससे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से पुरुषों का विकास होता है, मतलब लिंग का निर्धारण हमारे मानव में या ज्यादातर स्तनधारियों में किस तरीके से होता है, जिसमें कि आपको जानना बहुत आसान है और इसमें आप जान पाएंगे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर पुरुष है और यहाँ पर महिलाएं हैं, तो महिलाएं जो होती हैं, महिलाओं के अंदर जो अंड होते हैं वो एक्स एक्स वाले बनते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पुरुष हैं, पुरुषों में एक्स शुक्राणु और वाई शुक्राणु मतलब 50-50% बनते हैं। जब एक्स शुक्राणु का मिलन एक्स अंडाणु के साथ होता है तो लड़की पैदा होती है, जब वाई शुक्राणु का मिलन एक्स अंडाणु के साथ होता है तो पुरुष पैदा होता है, पुरुष मतलब लड़का पैदा होता है। लेकिन हमारी एक रिसर्च में ये सामने आया है कि आने वाले समय में ये जो वाई गुणसूत्र है, ये वाई गुणसूत्र ही गायब हो जाएगा, क्योंकि आज से लगभग कम से कम 16.6 करोड़ साल पहले हमारे इस वाई क्रोमोसोम में 900 जीन हुआ करते थे, लेकिन ये लगातार घटते गए और ये कहा जा रहा है कि आने वाले 1.0 करोड़ साल बाद, आने वाले टाइम में, इतने समय में ये पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा। जब ये पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा तो प्रॉब्लम ये आएगी कि वाई क्रोमोसोम, वाई गुणसूत्र जो है, जो हमारे पास लिंग निर्धारण करता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है, ना कि माता के गुणसूत्र से, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम में वो क्षमता नहीं होती जो लिंग का निर्धारण कर सके, लेकिन वाई के अंदर ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है कि ये लिंग का निर्धारण करके ये लड़का और लड़के में भेद अंतर कर पाता है, ठीक है ना। तो चलिए, अब आपको ये पता चल गया कि ये वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन आपको बताते हैं इस वाई क्रोमोसोम में ऐसी क्या विशेषता होती है, वो हम आपको बताते हैं। देखो, हमारे शरीर के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें कि 44 तो ऑटोसोम होते हैं और लास्ट वाला जो एक्स एक्स या एक्स वाई होता है वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें कि एक्स बड़ा होता है और जो वाई वाला जो होता है छोटा होता है, ठीक है ना। आपको बता दें एक्स में प्रेजेंट में लगभग 900 जीन पाए जाते हैं, और जो वाई क्रोमोसोम जो है ये क्या काम करता है, जिस समय एक्स वाई के साथ मिलता है तो जिस समय क्रोमोसोम भ्रूण में बनना स्टार्ट होते हैं तो उसी समय ये लड़का या लड़की का निर्धारण करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे कि अभी प्रेजेंट में वाई क्रोमोसोम की अगर बात करें तो वाई क्रोमोसोम में सिर्फ 55 जीन बाकी बचे हैं, और होता क्या है, जब हमारा जो भ्रूण होता है, जो लेडीज प्रेग्नेंट है उस प्रेग्नेंट में जो हमारा बच्चा है वो जब हमारा 12 हफ्तों का हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, मास्टर सेक्स जीन एक होता है, वो जीन क्या काम करता है उसके अंदर, अगर मान लो वाई उसके अंदर है तो मास्टर सेक्स जीन वाई वाले में काम ज्यादा करता है तो नर टेस्टिस का निर्माण करना स्टार्ट करता है, और नर टेस्टिस धीरे धीरे क्या काम करते हैं, नर हार्मोन निकालते हैं, और वो नर हार्मोन के कारण जो बच्चा पैदा होता है वो नर पैदा होता है, नर बोलो या लड़का बोलो या बॉय बोलो, जो आपको मन में आ रहा है आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हमने बताया कि मास्टर सेक्स जीन काम करता है। आपको बता दें मास्टर सेक्स जीन जो होता है इसको SRY या सेक्स रीजन ऑन द वाई के तौर पर भी हम लोग जानते हैं, और यही वो क्रोमोसोम है, यही वो जीन है जिसके कारण लिंग का निर्धारण होता है, लड़का और लड़की निर्धारण इसी जीन के कारण होते हैं जो कि वाई वाले में ये पाया जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आने वाले टाइम में किस तरीके से पुरुष गायब हो जाएंगे,
तो प्रॉब्लम ये आएगी कि जनसंख्या आगे कैसे बढ़ेगी। तो देखो हाल ही में और भी रिसर्च चल रही है, उसमें ये देखा गया है कि दो विशिष्ट प्रकार के यूरोप के चूहे हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम जो है वो विलुप्त हो भी चुका है, मतलब वहाँ पर स्टार्टिंग हो भी चुकी है, लेकिन वो फिर भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। लेकिन अंतर ये है कि उसमें नर और जो मादा है ना, दोनों में ही एक्स एक्स वाले क्रोमोसोम हैं और उनमें दोनों अलग अलग क्रोमोसोम होने के कारण मतलब ये विशेषता है। ये कैसे है, क्या है, अभी इस पर रिसर्च और की जा रही है, अभी वैज्ञानिकों को ये पता नहीं चल पाया है। अब माइंड में ये आता है तो क्या पुरुष खत्म हो जाएंगे आने वाले समय में पृथ्वी पर से? तो आपके माइंड में एक चीज़ और आ रही होगी कि आपको बता दें कि एक आपको मैं बहुत समय पहले बता चुका हूँ, एक आता है पार्थोजेनेसिस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन में क्या होता है, बहुत सारे जीवधारी ऐसे होते हैं, कुछ छिपकलियाँ, कुछ टर्की पक्षी, कुछ ऐसे होते हैं जो बिना निषेचन के भी जीव पैदा करने की जिनमें क्षमता होती है, जिसे हम अनिषेक जनन भी बोल देते हैं। तो अनिषेक जनन द्वारा वो नए जीवों का निर्माण कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि मानव के अंदर भी ये विशेषता आ जाए? क्या जो मादा है, मादा अपने एक्स से ही नए जो ब्रूड तैयार होगा उसी से नया शिशु बन जाए? तो आई थिंक ये संभावना, मुझे तो अपने माइंड से बोलूं तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। आप लोगों की क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्या लड़कियां खुद शिशुओं का निर्माण कर सकती हैं आने वाले समय में? ठीक है ना, अभी इस पर रिसर्च करना बाकी है, अभी काम चल रहा है, लेकिन अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने आप लोगों का आंकड़ा बताया है, अगर मानव खत्म हुआ भाई, क्रोमोसोम खत्म भी हुआ ना, तो अभी उसके लिए 1.10 करोड़ साल अभी बाकी हैं। अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा, आप लोग जिए, हैप्पी रहिए, टेंशन भी रहिए और मस्ती से आप लोग जो भी आपका मकसद है आप उस मकसद में लगे रहिएगा, अभी आप लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन एक इमेजिनेशन करोगे ना कि सिर्फ चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां, सिर्फ पुरुष एक भी नहीं, कैसी होगी वो दुनिया? आप लोगों को क्या ऐसी दुनिया पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।